आज दिखाएंगे आपको अकाया का इन्वर्टर जिसके अंदर सीबी ट्रिप की प्रॉब्लम आ चुकी है। ये है यूपीएस का इंडिकेशन, ये है चार्जिंग का, और ये है ओवरलोड का, और ये है लो बैटरी का, और ये है सीबी ट्रिप का। तो जो सीबी ट्रिप है ये इंडिकेशन चल रहा है और चार्जिंग नहीं चल रही है। तो चलिए हम इसकी बैक साइड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो चलिए अभी हम बैक साइड को दिखाते हैं क्लियरली। ये है हमारा आउटपुट सॉकेट और ये है इसकी स्विच सेटिंग, और यहाँ पे सीबी ट्रिप का स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे हम दबा देते हैं, ये देखिए बाहर को आ चुका था और यहाँ पे हमने इसको दबा दिया है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग करना शुरू कर दिया इसने। तो चलिए अभी हम आपको सभी इंडिकेशन दिखाते हैं ओकाया। ये देखिए ओकाया का इन्वर्टर है, सुपर इंटली चार्ज, ये देखिए चार्ज, और यहाँ पे स्मार्ट वेव। तो दोस्तों आपको इसके सभी इंडिकेशन के बारे में बताते हैं। ये देखिए ये मेन का इंडिकेशन है, इसके अंदर लाइट जो है ऑन है, लाइट ऑन है तो मेन का इंडिकेशन शो कर रहा है। यहाँ पे लाइट जाने के बाद यूपीएस ऑन का इंडिकेशन शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे यूपीएस ऑन का इंडिकेशन शो करेगा। अब जो लाइट आ रही है तो ये चार्जिंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन शो कर रहा है। ये ओवरलोड का इंडिकेशन है जो अभी अब बंद है। ये बैटरी लो का इंडिकेशन है। ये सीबी ट्रिप का है जो अभी हमने दिखाया आपको, जब रेड हो चुका था ये इंडिकेशन, ये सीबी ट्रिप जो है बाहर को आ चुका था तो हमने दबा के अभी इसको ऑन कर दिया है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।